हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करते हैं, ईपीएफ जैसे मुद्दे पर आपने हमको सहयोग किया है, आपने हमने प्राथमिकता दी है, क्योंकि अगर हम नहीं रहे तो मेरे परिवार को सहयोग मिलेगा। ये झारखंड के तमाम 60,000 परिवार का सहयोग है, ये हम भूलेंगे नहीं। इस सरकार को दोबारा लाएंगे, कोशिश होगा जिस तरह कफन बांध के निकले थे इस सरकार के लिए उसी तरह निकलेंगे, ये वादा रहा। 22 साल सेवा किए, जवानी जब मुझ नहीं हुआ था भैया, तब शिक्षा के मंदिर में आए थे हम लोग, साल से लड़ रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है, उसमें से एक अहम प्रस्ताव जो पारा शिक्षकों की मांग बहुत पुरानी थी कि राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जाए, आज कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ पारा शिक्षक हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे, जो मांग थी वो पूरी हो गई। 28 तारीख के वार्ता जो हुई थी उसमें जो जो बिंदु पर सहमति बना था, हमारा ईपीएफ मुख्य मांग था। चूंकि राज्य में होता क्या था, जो राज्य में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो हम लोग एक पैसा नहीं दे पाते थे, और ईपीएफ बहुत बड़ा मसला था। ईपीएफ इस सरकार ने दिया, बैजनाथ राम जी का रुख हम लोगों ने देखा, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, तो उन्होंने अड़ करके ईपीएफ कराया। इसके प्रति राज्य के 62,000 परिवारों की उनको धन्यवाद और आभार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी हम लोग आभार जताने आज यहाँ आए हैं। संजय जी, क्या सिर्फ ईपीएफ मांग था कि और कुछ मांग है जो अधूरा है? नहीं, सबसे बड़ी मांग वेतन मान, वो भी दूर है, लेकिन ईपीएफ मिल जाने से हो क्या रहा था कि हम लोगों के परिजन को कोई पारा शिक्षक को कोई घटना घटने के बाद कोई सहयोग नहीं मिल पाता था, लेकिन ईपीएफ जैसा मूलभूत सुविधा जो पूर्व वार्ता में हुई थी उसके मिलने से कम अगर कोई घटना घट जाती तो इस पर एक परिजन को सहयोग मिलेगा। और यह काम हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा किया गया, इसके लिए हम लोग सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से इनको आभार व्यक्त करते हैं। नाराजगी खत्म हो गई? नहीं, पूरी नाराजगी नहीं खत्म हुई है, लेकिन हाँ, एक उम्मीद फिर इसी हेमंत सोरेन सरकार से रहेगी कि हम लोगों का जो मूलभूत मांग वेतन मान है उसको हम इनसे ले पाए। मतलब वेतन मान अब मुख्य मांग? मुख्य बस हमारे सारे मांग, और एक सबसे बड़ी जटिल मांग ईपीएफ थी, क्योंकि भविष्य सुरक्षित नहीं थी किसी भी पारा शिक्षक का। 20-25 साल सेवा कर रहे थे, कुछ हो जाने के बाद कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन ईपीएफ होने से कम उनके परिवार को पेंशन का आर्थिक लाभ और पेंशन की सुविधा प्राप्त होगा, इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किया। इसके लिए कोई आश्वासन और मिला है कि वेतन मान के लिए कब होगा? जी, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने गुलदस्ते के साथ स्वागत किया और बोला भी, हम खासकर हम खुद बोले कि जो हमारी मूलभूत मांग है हम उससे दूर हैं, बोले धैर्य रखो, फिर मैं ही इस मांग को पूरा करूंगा। मतलब फिर आएंगे तब करेंगे, बिल्कुल। अब इनका जैसा लगा अब देखते हैं। इनको लाना हम लोग का फिर से प्राथमिकता बन गया। इस सरकार को हम लोग लाए थे, बिल्कुल खून पसीना बहा कर लाए थे, इस सरकार ने मान दिया, सम्मान दिया हम लोगों को, और जो वेतनमान का जो मांग है इसी सरकार से पूरी होगी, उम्मीद है। हम लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए, हम लोग को सेवानिवृत्ति की बात हो, हम लोग को पेंशन की बात हो, रिटायरमेंट की बात हो, ईपीएफ से पूरा होगा। जो बाकी है वेतनमान इसी सरकार से लेंगे, और इस सरकार को फिर से हम लोग चाहेंगे कि सरकार बने और मुख्यमंत्री, यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोग को वेतनमान दें, क्योंकि इनका वादा था वेतनमान देने का, वेतनमान का सपना यही पूरा करेंगे। धन्यवाद। आज आपके माध्यम से सबसे पहले सरकार को बधाई, और मैडम कल्पना सोरेन मुर्मू और सदर विधायक सदर कुमार सोनू और शिक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हम लोग का एक सपना था कि ईपीएफ आज मिला है और हमारे परिवारों में मुस्कान देखने को मिलेगा, ये बहुत खुशी है। और आपको भी मुबारक देना चाहते हैं, बराबर हम लोग का आपने रखा, पुनः आपको धन्यवाद और सरकार को ढेर सारे अभिनंदन। धन्यवाद। बुके नहीं दे पाए क्या? नहीं दिए हैं, फिर शिक्षा मंत्री के आवास पे जाएंगे, वहाँ भी देंगे। सन्नी सर, बस यही कहना है कि 22 साल हमने सेवा की है, कभी खून आंसू आता है मन से कि हमारे जो बच्चे, अगर हम मर जाएंगे ना तो मेरे बच्चे को कोई पूछने वाला नहीं है, चंदा करेंगे हमारे साथी तो भी उनका कफन आएगा और उनका परिवार चलेगा। लेकिन आज हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करते हैं, ईपीएफ जैसे मुद्दे पर आपने हमको सहयोग किया है, आपने हमने प्राथमिकता दी है, क्योंकि अगर हम नहीं रहे तो मेरे परिवार को सहयोग मिलेगा। ये झारखंड के तमाम 60,000 परिवार का सहयोग है, ये हम भूलेंगे नहीं। इस सरकार को दोबारा लाएंगे, कोशिश होगा जिस तरह कफन बांध के निकले थे इस सरकार के लिए उसी तरह निकलेंगे, ये वादा रहा। इस तरह लड़ाई लड़ेंगे, डगर पर लड़के भी बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ेगा हमको, लेकिन अब यह है कि हम एक निश्चित जगह पर खड़ा हो गए। अगर हम नहीं रहे, हमारा भाई नहीं रहा, तो मेरा जो परिवार चलने का आधार होना चाहिए वो बना ईपीएफ से, ये हम ये भूलेंगे नहीं। 22 साल सेवा किए, जवानी जब मुझ नहीं हुआ था भैया, तब शिक्षा के मंदिर में आए थे हम लोग, 22 साल से लड़ रहे हैं शिक्षा के मंदिर, पेड़ के नीचे हम लोग स्कूल चलाए, गांव का बच्चा पढ़ता नहीं था, स्कूल में बुला के हम पढ़ाए, लेकिन 22 साल बाद इस सरकार ने ईपीएफ दिया है, इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिकल सुविधाएं मिलेगी हमको, एक अगर हम ना रहे तो मेरा परिवार चलेगा, ये हम सोच कर चले हैं। बाकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं ये जो भी आंखों में आंसू देख रहे हैं, ये खुशी की खुशी का ये आंसू है
आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो पारा शिक्षकों के लिए ईपीएफ लागू करके एक अलग सा तोहफा मिला है, इस तोहफा को हम लोग आजीवन नहीं भूल सकते हैं। इसलिए कि आज का जो कैबिनेट था, पूरे राज्य के 62,000 पारा शिक्षक की निगाहें आज के कैबिनेट में टिकी हुई थी, और जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोगों को आश्वस्त कराया गया कि आज के कैबिनेट में आप लोगों का मामला को एकदम क्लियर कराएंगे, जैसा कि सूचना है माननीय शिक्षा मंत्री आज अड़े हुए थे कि जब तक ईपीएफ पारा शिक्षकों का लागू नहीं होगा तब तक जो है आगे हम किसी फाइल पर हम कोई काम नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं? तो बहुत खुश हैं। आप कहाँ टीचर हैं? जी हम रांची जिला के नगड़ी प्रखंड से हैं। खुश हैं, खुश हैं। Subscribe www.thefollowup.in